नाज़रीन आप देख रहे हैं रेड लाइन स्पेशल एडिशन इस्लामाबाद से। बड़े चाव से इमरान खान की हुकूमत को निकाला था, पीडीएम की जमातों का इत्तेहाद तो कायम रहा लेकिन उसके अंदर आपको दरारें उभरती हुई नज़र आती हैं। कोई बड़ी परेशानी की बात नहीं है लेकिन हल्के हल्के कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ चिंगारी उठ आती है। बिलावल भुट्टो जरदारी का बजट की प्रोसीडिंग्स में बजट के पास होने के बाद तकरीर ना करने का ऐलान हो, या सिंध को मुख्तस किए जाने वाले उन फंड्स का मामला हो जिनका ताल्लुक सैलाब की तबाहकारियों से है, या पीसीबी के चेयरमैन को हटाए जाने का मामला हो, या इंटरव्यूज़ के अंदर कुछ जुमलाबाजी हो। लगता यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पुराने रिवायती हरीफों की तरह किसी न किसी मोड़ पर एक दूसरे के सामने खड़े हो जाएंगे। इसके साथ साथ बहरहाल इनके सामने चैलेंजेस काफ़ी हैं। मुआशी मामलात अगर ख़राब हुए और इस तरह ही रहे तो दोनों के गले पड़ेंगे, और अगर इमरान खान के मामलात तय ना हुए कोर्ट्स के ज़रिए तो फिर आपको एक वकला की तहरीक की सूरत में भी एक चैलेंज उभरता हुआ नज़र आ रहा है। आपको पता होगा कि आज फॉर्मर चीफ जस्टिस ख्वाजा साहब ने अपनी तरफ से एक पिटीशन मूव की है मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से, और कहा है कि ये मिलिट्राइजेशन ऑफ जस्टिस है। अगरचे 1952 का एक्ट है जिसके तहत ये कोर्ट्स बनती हैं, लेकिन अब उनका मानना ये है कि सिविलियंस का ट्रायल इन कोर्ट्स में नहीं हो सकता। और फौज की तरफ से बहरहाल ये बारहा कहा गया कि 9 मई के जितने भी कल्प्रिट्स हैं, इस बात से कतअ नज़र के कितने बड़े हैं कितने छोटे हैं, उनकी क्या मुआशी हैसियत है, मुआशरती स्टेटस क्या है, उनका हमें एहतसाब कोर्ट्स के ज़रिए ही करना है। तो एक तरफ वकला आपको ज़रा सख्ती करते हुए नज़र आते हैं, जो चीफ जस्टिस हैं फॉर्मर वो पिटीशन दायर करते हुए नज़र आते हैं, और दूसरी तरफ से कोर्ट्स का मिजाज भी आपको ज़रा सख्त होता हुआ नज़र आता है इन मामलात पर। ये चैलेंजेस हैं पीडीएम के। हमारे पास सेनेटर परवेज खान साहब मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, उनका डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब भी मौजूद हैं नून लीग की तरफ से, उनका भी शुक्रिया। नाज़रीन इसी प्रोग्राम में हम आपको सेनेट के अंदर जो प्रिविलेजेस का बिल है जिसके तहत सेनेट चेयरमैन समेत जो मोहतरम नुमाइंदगान हैं उनके प्रिविलेजेस में इजाफा किया गया एक ऐसे वक्त में जब लोगों को खाने की पड़ी हुई है, इसके ऊपर बड़ी लहदे हुई है, जमातों ने रद्दमल का भी इजहार किया, लेकिन ये प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में होगा। तो मैं अगर क्विकली आपसे पूछ पाऊँ साहिबा कि वाकईतन पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन जो बहुत पुराने रिवायती सियासी हरीफ हैं अब अपनी उसी सिफ्त की तरफ वापस जाते हुए नजर आ रहे हैं या इट्स अ स्टॉर्म इन अ टीकप? देखिए बहुत मामलों का तो इट इज़ अ स्टॉर्म एंड अ टीकप, और वो मैं इसलिए कह रही हूँ कि देखिए जब एक कोलिशन जमातें साथ बैठती हैं तो फिर बहुत से मामलात होते हैं जो जमातों को अपने अपने हलकों में और अपने अपने सूबों में उनका जवाब देना होता है, और उसके लिए प्रेशर्स जो हैं ये कोई ऐसी नई बात नहीं। हमने एक कोलिशन चलाई और हमने 5 साल चलाई और उसमें ये तो कुछ भी नहीं है, जिस तरीके से आपको याद होगा उस वक्त अल्ताफ़ हुसैन थे और वो किस तरीके से हर दूसरे दिन हुकूमत टूटती थी और बनती थी। तो लिहाजा ये एक मेरे ख्याल में तो एक सियासी अमल का हिस्सा है। हमें सिंध के जो सैलाब के फंड्स थे उन पर तशवीश थी, वो सैलाब जदगान जो हैं वो आज भी ऐसे ही बैठे हैं, और वो वज़ीर आज़म का एक जो है वादा था उसके लिए हमने आवाज़ उठाई। और बात यह है कि ये भी एक हकीकत है, हम दो मुख्तलिफ जमातें हैं और हम दो मुख्तलिफ जमातें एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगी, अनलेस के कोई इत्तेहाद या इस किस्म की चीज़ नहीं होती। और जब हम एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे तो हम एक दूसरे के खिलाफ ये बातें करेंगे, ये सब बहुत ही हेल्दी और एक तंदुरुस्त सियासी अमल का जो है निशान देंगे। लेकिन हम वो नहीं करेंगे जो आपने माजी में देखा कि एक जो है पैराशूटर जमात जो पीटीआई के नाम से वारिद हुई, उसमें जो उन्होंने किया जो बिला जो है सोचे समझे उन्होंने सब पाकिस्तान की जितनी सियासी क्यादत थी उनको पकड़ के अंदर किया, और उनके लिए जिन लोगों ने सहूलत कारी की वो एक बड़ा अजीब और अलग सा अमल था, और वो तारीख की किताबों में इसी तरह काले लफ्जों में लिखा जाएगा। उस पे मैं आऊंगा, उसमें मैं आऊंगा, मुझे जरा डॉक्टर साहब के पास जाने दीजिए। डॉक्टर साहब ये हल्की फुल्की मुँह मारी चलती रहती है सियासत में, जैसा सेनेटर साहबा कह रही थी कि सियासत के अंदर तो ये तल्ख बातें होती रहेंगी, लेकिन पंजाब बैटल ग्राउंड है, पीपल्स पार्टी का फोकस पंजाब पर बहुत ज़्यादा है। मैं उनके लीडरान के बयान सुन रहा था, वो कह रहे थे कि आसिफ अली जरदारी साहब अब आएंगे लाहौर में बैठेंगे, पीपल्स पार्टी के झंडे लहराए जाएंगे, और
पंजाब आपके लिए भी बड़ा क्रूशियल है, तो आपको लगता है कि पंजाब चूंकि सियासी बैटल ग्राउंड है तो ये जो छोटी मोटी सियासी मुमारी है ये एक बड़े मुकाबले या मुखासमत में तब्दील हो सकती है? देखिए छोटे या बड़े कोई सियासी मुखालफत की बात नहीं है तलत साहब। PMLN और पीपल्स पार्टी दो मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं, बेशक हम PDM का हिस्सा भी रहीं और अभी एक आप ये कहें कि कोलिशन गवर्नमेंट में हम इकट्ठे हैं, लेकिन इस बात का कभी इम्कान है कि अगला इलेक्शन दोनों जमातें अपने अपने प्लेटफार्म पे अपने अपने इंतखाबी निशान के नीचे लड़ें, अपने मंशूर के तहत लड़ें और एक दूसरे के ख़िलाफ़ लड़ें। इसलिए आपको ये फ़िज़ा थोड़ी सी चूँकि अब इलेक्शन का माहौल बनता हुआ नज़र आ रहा है तो आपको इस तरह के बयान भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और ख़ास तौर पर कल नदीम चंद साहब का पंजाब के हवाले से जो मैं गुफ्तगू सुन रहा था, वो उन्होंने इलेक्शन कम्पेन को वक्त से पहले ट्रिगर कर दी है, तो वो बयानात उनके इलेक्शन कम्पेन के बयानात हैं। उनका कोलिशन में मौजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो मसाइल हैं उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। वज़ीर आज़म हमेशा अपने तमाम एलाइज का और बिलखसूस जरदारी साहब का पीपल्स पार्टी का बड़ा एहतराम करते हैं, हमेशा उनकी बात सुनी जाती है और अगर उनका कोई गिला शिकवा है भी तो वो दूर किया जाएगा, वो बिल्कुल इस सिलसिले में हमें कोई भी शक शुबा नहीं है। लेकिन मामला सिर्फ तारिक साहब एक बयान का नहीं है, चंद साहब के बयान का नहीं है, तलाल चौधरी ने भी ये बयान दिया है कि इलेक्शन हम चाहते हैं लेकिन कराची और कश्मीर जैसे इंतखाबात नहीं चाहते, तो ये भी ख्याल है कि पीपल्स पार्टी अपना जब जोर बाजू मनवाएगी तो फिर उसके अंदर इस तर्ज के इंतखाबात भी होंगे जिसके ऊपर नून लीग को एतराज़ है, इस इल्ज़ाम को या खदशे को आप कैसे देखते हैं? देखिए इलेक्शन जो आइंदा आने वाला है वो इस वक्त मुल्क की सलामती इस्तेहकाम मुआशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम सब के लिए बहुत ज़रूरी है, सबका इस पर इतफाक़ है, लेकिन ये वो इलेक्शन होगा जो इस इस्तेहकाम का सबब बनेगा, जो गैर मुतनाज़ा हो, शफाफ हो, गैर जानबदाराना हो और आवाम का उसके ऊपर एतमाद हो। अगर एक मुतनाज़ा इलेक्शन कराया जाएगा तो उससे हालात मज़ीद ख़राब होंगे और जो चीज़ें अभी ख़ास तौर पर 9 मई का जो वाक़िया हुआ इंतहाई अफसोसनाक, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें अंडर कंट्रोल आईं और उन तमाम अनासिर को जो अपने ज़ाती मफाद के लिए कौमी इदारों पर हमलों तक चले गए, अफवाज पाकिस्तान के इदारे पर हमलों में और शहदा की यादगारों पर हमलों में मुलविस रहे, कोर कमांडर के घर पर हमले तक चले गए, ऐसे तमाम अनासिर को जो कंट्रोल किया गया है, ये एक गैर मुतनाज़ा इलेक्शन के बाद ही हालात जो है वो बेहतरी की तरफ जाएंगे और उसका तसलसल होगा इस कंट्रोल की मैं बात कर रहा हूँ, वरना कोई मुतनाज़ा इलेक्शन खुदा न खास्ता अगर हुआ तो फिर हालात जो है वो किसी के काबू में भी नहीं रहेंगे। मैं इसके बारे में बिल्कुल क्लियर हूँ कि कोई भी मुतनाज़ा इलेक्शन जो है वो मुल्क को एक ऐसी सिमत में धकेल देगा कि फिर हालात किसी के काबू में नहीं रहेंगे, फिर हालात मैं कहूँगा खुदा न खास्ता उसकी भी कैफियत बयान में मेरे जहन में है लेकिन मैं करना नहीं चाहता। इसलिए हम साफ शफाफ इलेक्शन चाहते हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी बात तो साफ शफाफ इलेक्शन की करती है और हमें उम्मीद है कि वो उसी तरह का इलेक्शन जो है उस पर रहेंगे, क्योंकि अभी कोई चीज़ भी ढकी छुपी नहीं रहती। अभी जिस तरह के मीडिया प्रोएक्टिव है और हालात जो हैं वो इस वक्त छुपाना या आप ये कहें कि कोई धांधली करना, ठप्पे लगाना और बंदा ये समझे कि मैं इसे छुपा लूँगा, वो छुप नहीं सकता और इस तरह का इलेक्शन से बेहतर है कि इलेक्शन ना हो। अच्छा सेनेटर साहब, अगर मैं इस पे मैं वापस आऊँगा कि शफाफ इंतखाबात कैसे होंगे, उसका मयार क्या है, जो सियासी मामलात हैं उनको आप एक जंगी नक्शे की सूरत में भी ले सकते हैं। मसलन पीपल्स पार्टी का जो बेस है इस वक्त स्ट्रॉन्ग बेस वो सिंध है, वो उन्होंने लोकल बॉडीज़ के जरिए सिक्योर कर लिया है, जो सबसे बड़ा फाइनेंशियल नर्व सेंटर है उसमें उनका मेयर आ गया है, इसके अलावा पंजाब के अंदर उनकी जो इंग्रेस होगी वो आप समझें कि इट्स आइसिंग ऑन द केक। नून लीग बहरहाल पंजाब उनके पास मौजूद इस वक्त नहीं है, वहाँ पे केयर टेकर सेटअप लगा हुआ है, मरकज़ के अंदर हालात आपके सामने हैं, मुआशी जितने मसाइल हैं इनकी मिनिस्ट्रीज़ की वजह से, आपके पास तो बड़ी सिक्योर किस्म की मिनिस्ट्रीज़ हैं लेकिन इनकी मिनिस्ट्रीज़ की वजह से तमाम मलबा इन पर गिर रहा है, सो इन अ वे पीपल्स पार्टी तो बहुत कंफर्टेबल फील कर रही होगी इस माहौल में क्योंकि उनके पास सिंध भी मौजूद है,
कराची में मेयर उनके पास अपना मौजूद है, पंजाब में अगर गेन होता है पीटीआई की टूट फूट की वजह से तो वो नून का नुकसान होगा। सो इन अ वे लड़ाई तो बिल्ट इन है आपके इस नक्शे के अंदर। देखिए तलत, बात यह है कि सिंध तो हमारे पास पहले से मौजूद था, अब कराची के मेयर का इजाफा हुआ है वो अच्छी बात है, लेकिन आप ये भूल रहे हैं कि जब इलेक्शंस होंगे तब ना हम कहीं भी हुकूमत में होंगे और ना मुस्लिम लीग नून की हुकूमत कहीं भी, क्योंकि केयर टेकर्स के नीचे इलेक्शन होंगे और जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है वो केयर टेकर्स जो भी आएंगे, मेरा नहीं ख्याल कि उस पर कोई मुस्लिम लीग नून या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी असरअंदाज होने की किसी भी तरह से पोजिशन में होगी और ना होना चाहिए। लिहाजा उस वक्त क्या होगा, मैं ये समझती हूँ, अगर मैं आपको बिल्कुल ना ऑनेस्ट ओपिनियन दूँ, कि जब ये असेंबली जब भी अपनी मुद्दत पूरी करेंगी और ये ख़त्म होंगी, उसके बाद जब केयरटेकर आएगा तो बहुत से सवालों के जवाब जो कभी हम शायद हमारे जहनों में कहीं हैं हमें नहीं समझ आते हैं, लेकिन वो उस वक्त मामला खुलकर सामने आएंगे। आज ये जो चार्टर ऑफ एक इकोनॉमी टाइप का एक जो है हुई है, इसमें भी आप देखिए बड़ी एक ये सिग्निफिकेंट मूव है, और इसमें भी इसका भी वो कि मैंने टेक्स्ट नहीं पढ़ा है, आई डोंट नो आपके पास है या नहीं है, लेकिन ये तमाम बड़ी सिग्निफिकेंट जो है बड़ी ऐसी मूव्स हैं कि जिनका असर सियासत पर होगा। तो लिहाजा इस वक्त जो है ना ये सोचना कि कोई एक जमात आ जाएगी या दूसरी जमात को धांधली के जरिए हरा दिया जाएगा, मैं इनको इतने बड़े इश्यूज नहीं समझती। मैं समझती हूँ कि अगर ये ख़त्म होती है हुकूमतें और अगर कोई हम एक अच्छे तरीके से इंतखाब की तरफ जाते हैं तो ये बहुत बड़ा एक लेकिन दो दो सवाल जो आपके लिए भी है डॉक्टर साहब के लिए भी, लेकिन पहले आपसे, जो केयर टेकर्स की सिलेक्शन है उसमें पीपल्स पार्टी का कोई लेना देना होगा नहीं, वो आउट गोइंग प्राइम मिनिस्टर और मौजूदा जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है उनके माबैन मामलात तय होने हैं, और आपको पता है कि केयर टेकर्स असरअंदाज तो नहीं होते, लेकिन केयर टेकर्स को लगाने में और केयर टेकर्स की कौन आएगा प्राइम मिनिस्टर, कौन होंगे मिनिस्टर, इसके ऊपर बड़ी लहदे होती है। तो एक तो इसका जवाब दीजिएगा कि केयर टेकर्स लगाने में हमारा बंदा आपका बंदा, तो पीपल्स पार्टी तो फिर बैकफुट पे होगी उस वक्त, क्योंकि आप कोलिशन का हिस्सा हैं, तो ऑपोजिशन लीडर और आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर के दरमियान मामला तय होने हैं और यू आर नॉट इन द पिक्चर ऑन केयर टेकर्स। देखिए तलत, आई थिंक हम लोग ऐसा नहीं है कि पिक्चर से हम या मौलाना साहब आउट हो जाएंगे, ये तो समझने ये एक ऐसी बात नहीं है कि जो प्रैक्टिकल है। ये जितनी जमातें पीडीएम में हैं जिन्होंने बोझ उठाना है, जो कुछ फैसले हुए हैं वो बोझ जब सब उठाएंगे तो उसमें केयर टेकर्स में भी सब अपना अपना उनसे मुशावरत होगी और एक इतफाक़ी राय से केयर टेकर्स आएंगे। लेकिन मैं इस वक्त आपको ये कह सकती हूँ कि जब केयर टेकर्स आ जाएंगे बैठ जाएंगे फिर एक और सीन होगा, फिर वो किसका मतलब ये मैं नहीं समझती कि अगर मियाँ शहबाज शरीफ और वो राजा साहब के दरमियान बैठकर भी केयर टेकर्स आएंगे फिर वो इंडिपेंडेंट केयर टेकर्स होंगे, उम्मीद यही की जा सकती है। और इस वक्त प्रेडिक्ट करना कि वो क्या करेंगे, क्योंकि अगर मैं आपसे सच बोलूँ तो एक नॉर्मल सिचुएशन में ना इलेक्शंस होने जा रही हैं ना केयर टेकर्स बनने जा रहे हैं, अगर आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ। तो लिहाजा बहुत से जो है मुहरकात वो सामने आएंगे और ये जो आज हुआ है बड़ा एक सिग्निफिकेंट मूव है। उसके साथ साथ आपने जिक्र किया कि इस मुल्क में अभी एक लॉयर्स मूवमेंट की वो जो है हांडी में भी डोई जो चलाई जा रही है, तो लिहाजा ये एक और बहुत बड़ा फैक्टर है। किस तरीके से आपने अभी जो पिटिशन का जिक्र किया जस्टिस जवाद एस ख्वाजा ने जो दायर की है उसके अल्फाज पढ़िए, उसके जो अल्फाज हैं वो बड़े तशीशनाक अल्फाज हैं जो उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, और वो इस तरफ इशारा करें कि वो फौज के खिलाफ एक नया महाज इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खोलने जा रहे हैं और उनसे ये हक वो लेना चाहते हैं कि कोई भी वो जो उस दिन गुंडागर्दी हुई और जो गुंडे बने हुए थे जिनको ये पूरा पूरा यकीन था कि वो वहां जाएंगे और फातह होके आएंगे, इसलिए वो खुद अपनी वीडियोस बना रहे थे, उनके खिलाफ एक्शन ना हो, क्या आपके ख्याल में इसके रिपरकशन नहीं होंगे जो आज पिटीशन दायर की गई है? बिल्कुल, क्या ये सारी मैं इसको इसके ऊपर मैं इसके ऊपर पूरा सेगमेंट 5 मिनट के बाद जो ब्रेक है उसके ऊपर पूरा सेगमेंट करूंगा इसके ऊपर, लेकिन आप जो नुक्ता उठाया वेल टेकन, लेकिन जरा सियासी मामलात को मैं डॉक्टर साहब के पास लेके जाऊंगा। डॉक्टर साहब, कहने को तो आप लगता है कि प्राइम मिनिस्टर आपका है और आपके पास ओहदे भी ज़्यादा हैं, लेकिन आपके हाथ में अमलन इस वक्त कुछ नहीं है। पंजाब में केयर टेकर हैं
यहाँ पर आपकी कोलिशन हुकूमत है और कोलिशन पार्टनर जब आप पर जोर डालता है तो फिर आपको वो तब्दीलियाँ भी करनी पड़ती हैं जो शायद आप नहीं करना चाहते, चाहे वो तैनातियों के अंदर हों, चाहे बजट एलोकेशन के अंदर हों। और मरकज़ का जितना मलबा है वो नून लीग ने उठाना है। सो इन अ वे पीपल्स पार्टी की पोजीशन काफ़ी कंफर्टेबल है एज़ कम्पेयर टू योर पोजीशन। आपकी असेसमेंट क्या है? देखिए, जो हमारी कोएलिशन गवर्नमेंट है, जब हमने संभाली तो मुल्क में एक मौशी बहरान था, उसे संभालने की मुकम्मल कोशिश की गई, की जा रही है, और मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट करने लगा था खुदा न खास्ता। हमने पूरी कोशिश की, मुल्क को उस बहरान से निकाला, लेकिन ये बात भी एक हकीकत है कि जिस रिलीफ का आवाम तवक्को कर रहे थे वो अभी तक आवाम को उस तरह नहीं दिया जा सका। मैं महंगाई की बात कर रहा हूँ कि उसमें खातरखा कमी हम नहीं ला सके। चूँकि आप स्टेयरिंग पे हैं, आप गवर्नमेंट, आप गाड़ी चला रहे हैं, मुस्लिम लीग नून की बात कर रहा हूँ, तो यकीनन आपको ज़्यादा हदफ तनकीद बनाया जाएगा अगर हालात को आपने कंट्रोल ना किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चूँकि बैक सीट पर है, फवायद जो होते हैं, पार्क्स एंड प्रिविलेजेस गवर्नमेंट के, वो सारे वो ले रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो ब्रंट होता है वो हमेशा उस पार्टी को फेस करना पड़ता है जो गवर्नमेंट में फ्रंट लाइन के ऊपर होती है। और हमें इस बात का एहसास है कि अगले इलेक्शन से पहले हमने इन हालात को इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर बनाना है। अवाम को जिस तरह बजट में आपने देखा कि तारीखी जो आप ये कहें कि इजाफे तनख्वाहों में, पेंशनस में, और ये सारी मराद जो एक आम आदमी के लिए दी गई, और मज़ीद भी इस पर काम कर रहे हैं कि ताकि आम आवाम को, पब्लिक को ये एहसास हो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत थी बेशक शॉर्ट टर्म में रही है, लेकिन उसने डिलीवर किया है, और उसके बाद एक वे फॉरवर्ड भी देंगे आवाम को, एक प्लान भी देंगे कि दोबारा इंशाल्लाह जब आएंगे तो इस तरह हम मुल्क को दोबारा ट्रैक पे लेके आएंगे और मुल्क दोबारा एक तरक्की की इंशाल्लाह मनाजिल तय करेगा। ये है बेसिक जो है आप ये कहेंगे वे फॉरवर्ड। अच्छा, अब मैं ज़रा चलते चलते इस ब्रेक से पहले आपसे और फलवेश दोनों से पूछना चाहता हूँ। पीपल्स पार्टी का डॉक्टर साहब ख्याल ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी अगले प्राइम मिनिस्टर हैं, आपका क्या ख्याल है? आप अपना प्राइम मिनिस्टर देख रहे हैं या पीपल्स पार्टी का प्राइम मिनिस्टर देख रहे हैं? अभी से ज़ाहिर है कुछ तय तो नहीं हुआ, लेकिन छः महीने की बात है, ये मामला सामने होंगे, तो आपकी पार्टी का प्राइम मिनिस्टर होगा या पीपल्स पार्टी की का प्राइम मिनिस्टर होगा? देखिए, जितनी भी सियासी जमातें हैं सबका ये बिल्कुल राइट है कि वो अपनी जमात का प्राइम मिनिस्टर जो है वो आइंदा देखें, सोचें, उसके बारे में वो उनको ख्वाब में आए, ये उनका राइट है। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज़ होती हैं वो ख्वाबों से और ख्वाहिशात से बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं, और वो ये हैं कि अगला प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से होगा इंशाल्लाह। आपने प्रोग्राम के शुरू में कहा कि पंजाब जो है वो मेन बैटल ग्राउंड होगा, और तकरीबन 150 के करीब नशस्तें, 272 पे अगर इलेक्शन होते हैं तो वो अक्सरियत जो है 150 के करीब पंजाब में है, और पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तवक्को तो ज़रूर कर रही है कि वो बहुत बड़ा कोई ब्रेक थ्रू करेंगे, लेकिन वो ब्रेक थ्रू ब्रेक ही होगा, वो थ्रू नहीं होगा, और इंशाल्लाह हम पंजाब में भी लीड करेंगे और बाकी भी सूबों में आप देखेंगे कि हमारी परफॉर्मेंस पिछले इलेक्शन से बहुत बेहतर होगी, और हम अगला इंशाल्लाह मरकज़ में, पंजाब में, और शायद एक आध और सूबे में मैं ये कहूँगा कि गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में होंगे इंशाल्लाह। सेंटर साहिबा, आपका ख्वाब ब्रेक होगा, थ्रू नहीं होगा? देखिए, मैं समझती हूँ बातें बहुत ही प्रीमेच्योर हैं, अभी तो हमारा ख्वाब ब्रेक भी हुआ, थ्रू भी हुआ, और ये जो हुकूमत बनाने का ख्वाब था ये भी जरदारी साहब की वजह से ब्रेक भी हुआ, थ्रू भी हुआ। अगर जरदारी साहब उस वक्त ना होते तो ये हुकूमत में आज जो है हम ना होते, ना शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर होते, ये भी जरदारी साहब नहीं, उनको अपना प्राइम मिनिस्टर नामजद किया था, लिहाजा ये हिस्टोरिक फैक्ट्स हैं, इनको मतलब अभी इतनी पुरानी तारीख भी नहीं हुई, ये के माजी करीब की ही बातें हैं। और ये अभी से कह देना कि क्या होगा और किसका प्राइम मिनिस्टर होगा, ये तो देखिए, खुदा खैर करे हम उस मरहले तक पहुँचे कि कोई प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हो तो फिर हम देखेंगे, और उस मरहले तक पहुँचने के लिए अभी उसमें काफ़ी महीने हैं। यहाँ आपने देखा कि चंद ही दिनों में 9 मई के बाद क्या हुआ, तो इसलिए मैं तो खुदाई दावे नहीं करती जी, जो अल्लाह ताला जिसको किस्मत में है वो आ जाएगा, जिसको आवाम चाहेंगे वो आ जाएगा, और वो मैं प्रेडिक्शन
ज़रूर उम्मीद करती हूँ बिलावल भुट्टो साहब होंगे, ये भी उम्मीद कर सकते हैं इनकी जमात का कोई प्राइम मिनिस्टर हो, लेकिन मैं उस पे दावे करने पर यकीन नहीं रखती क्योंकि मैंने जो पिछले चंद ब्रेक में जाते हैं नाज़िम, ब्रेक में जाने के बाद सेनेटर साहब ने पहले नुक्ता उठाया था उसके ऊपर वापस आऊँगा, जो फौज और फौज की अदालतें जो आर्मी एक्ट के तहत जो कानूनी बॉडी का हिस्सा है बनी, अब वो लॉयर्स की तरफ से मखसूस तबके की तरफ से ज़ेर आताब हैं। ये बड़ा चैलेंज है क्योंकि उसके साथ फौज और 9 मई के वाकयात जुड़े हुए हैं, तो जब ये इशू उठाया जाता है कि मिलिट्री कोर्ट्स को आप नॉकआउट करवाएं तो ख्याल ये होता है कि एक नया महाज खुल रहा है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। फिर मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आज जो इक्तसादी प्लान दिया गया है उसका मकसद क्या है, ये तो हुकूमत अगले पौने दो महीने के अंदर टेक्निकली जाने वाली है, तो ये किसके लिए इक्तसादी प्लान बना रहे हैं, क्या ये हुकूमत रुक रही है, एक साल और एक्सटेंड हो सकता है इसका या नहीं, ब्रेक के बाद। ऐसी अदालतें जो एक एक्ट के तहत बन रही हैं मिलिट्री कोर्ट्स, उसके ऊपर आप एतराज़ तो उठा सकते हैं लेकिन उनको इस तरीके से बयान करना कि जैसे पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा ये अदालतें बन रही हैं, पता ये चलता है कि अब पाकिस्तान तरीके इंसाफ की क़ियादत को 9 मई के वाक़यात की सज़ा से बचाने के लिए एक काटल जो है वो सामने आ रहा है। मैं ज़रा डॉक्टर साहब आपसे बात शुरू करना चाहूँगा, सेनेटर साहबा ने जिक्र किया था प्रोग्राम के पहले हिस्से में कि एक महाज बनता हुआ नज़र आ रहा है, मैं आपकी जमात का और आपकी हुकूमत का स्पेसिफ़िकली 9 मई के वाक़यात और जो केसेस मिलिट्री कोर्ट्स में जा रहे हैं उसके ऊपर पहले आपका मौक़िफ़ जानना चाहूँगा, गो अहेड। देखिए 9 मई के जो वाक़यात हैं जिसमें मिलिट्री की तनसीबात पे हमला, शुहदा की यादगारों को जलाना, कोर कमांडर के घर पे हमला, ये सारे वो वाक़यात हैं कि जिसे हम यकीनी बनाएंगे कि इसमें मुलव्वस लोग, मंसूबा साज और इसमें फैसिलिटेटर्स सबको कानून के मुताबिक सख्त सज़ा दी जाए ताकि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि आइंदा पाकिस्तान में इस तरह के वाक़यात ना हों कि अवाम जो है, या इस तरह के शर पसंद अवाम तो नहीं मैं कहूँगा, वो दोबारा जो है अपने इदारों पे हमलावर हों और उन्हें नुकसान पहुँचाने की कोशिश करें, ये मुल्क की सलामती के ख़िलाफ़ एक हमले होते हैं। उसके लिए अगर तो वो कुछ लोग जो बराह रास्त इन इमारतों पे हमलों में मुलविस नहीं थे तो उनकी जो आम हमारी सिविल कोर्ट्स हैं उसमें मुकदमा चल रहे हैं। अब जहाँ तक मिलिट्री कोर्ट्स का ताल्लुक है तो जो आर्मी एक्ट है उसमें जहाँ पर मिलिट्री कोर्ट्स की बात की गई है वहाँ इस बात की इजाज़त मौजूद है के सिविलियंस के ख़िलाफ़ भी आर्मी एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज किए जा सकते हैं और फौजी अदालतों में उनके मुकदमात चलाए जा सकते हैं। एक तो ये बात कि ये नया नहीं है, कोई नया कानून नहीं लेके आया जा रहा, पहले से मौजूद है। दूसरी बात ये है कि क्या इससे पहले पाकिस्तान में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल हुए हैं कि नहीं हुए हैं? बिल्कुल हुए हैं। जब मुल्क में दहशतगर्दी इंतहा पे थी तो आपको उस वक्त की मौजूद पार्लियामेंट से कानून साजी के ज़रिए आपको फौजी अदालतें आपने बनाई, आपने दहशतगर्दों को फौरी तौर पे फौरी ट्रायल और फौरी सज़ा वो देने के लिए आपने उन अदालतों को इस्तेमाल किया, उन अदालतों का सहारा लिया और फौरी इंसाफ दिया गया, मुल्क में अमन आया। तो मुझे ये बताएं कि अब मुल्क में क्या हालात बदल गए हैं या कौन सी ऐसी चीज़ है? अगर फाटा में कोई एक चौकी है, एतराज नहीं है, हमलावर होते हैं, वो दहशतगर्द है, लेकिन अगर कोई यहाँ पे जीएचक्यू पे हमलावर होता है तो वो दहशतगर्द नहीं है। कोई चौकी पे हमला कर दे फाटा में तो दहशतगर्द है, कोई जीएचक्यू पे हमला कर दे वो दहशतगर्द नहीं है। उसके लिए फिर ये सारे जो तो सेनेटर साहब आप क्यों ये समझ देखिए मैं ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त जो है जी अगर मैं सेनेटर साहब से पूछ पाऊँ बिकॉज आई एम शॉर्ट ऑन टाइम पहले बात कर तो आप क्यों ये समझ रही हैं कि इस पिटीशन के जरिए आप एक महाज बनता हुआ नजर आ रहा है आपको, ये आप क्यों कह रही हैं? देखिए तलत, आपने और हमने इस मुल्क में पहले ऐसे महाज बनते भी देखे हैं, ये हम सबके तजर्बे की बिना पर हम ये बात जो है बिल्कुल क्लियरली देख भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं कि जब एक तरीके से 9 मई वाला वाक्या जो है वो इनका फ्लॉप हो गया, क्योंकि इनको जो मैंने जैसे आपको कहा है जब ये वहां गए थे जलाओ घेराव करने ये बलवाई, तो इनको पूरी पूरी एक हासिल थी, इनको ये कॉन्फिडेंस था कि वहां जाएंगे और कामयाब हो के आएंगे।
तो लिहाजा जब वो प्लान फेल हो गया तो अब आप देखिए कि इनमें दोबारा हल्का सा सांस पड़ा है और ये अब एक नए तरीके से एक नई तरफ से अटैक होने लगा है। ये नई तरीके तसिम से जो ये हमला होने लगा है ये वकला तहरीक के सिलसिले की शक्ल में और ये जो है इस किस्म की पटिशन्स की शक्ल में होने लगा है। लिहाजा अब इस तरफ से भी जो है सियासी जमातें और मुल्क की जो फौज पाकिस्तान है उनको देखना पड़ेगा कि इधर कौन है इसके पीछे। और मैं समझती हूँ कि ऐसा वक्त आ गया है कि पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन को इस पे ब्रीफिंग दी जाए और बताया जाए कि इसके पीछे कौन कौन छुपा है, इसके ताने बाने किस किस मुल्क में जाके मिलते हैं, किन किन शख्सियात से मिलते हैं, किन किन एजेंसी से मिलते हैं और वो क्या चाह रहे हैं इस वक्त। ये सब कुछ एक हसीन इत्तेफाक नहीं है कि IMF भी नाराज हो जाता है, दुनिया भर के ह्यूमन राइट्स के जो है रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स उन्हें ह्यूमन राइट्स याद आ जाते हैं और वो इस किस्म की यलगार पाकिस्तान पे कर देते हैं कि मौशी तौर से तो आपको दबोचा ही है उन्होंने, उनको आलमी तौर पर भी तनहा किया जाए और फिर मुल्क के अंदर भी एक सिविल वॉर की सिचुएशन और खलफशार बनाया जाए। मैं तो ये अभी हमने पिछले चंद सालों में देखा तो लिहाजा मुझे तो इस बात में क्लैरिटी है। आप लोग जरूर इस पर अपनी राय दे सकते हैं लेकिन वो खैर की खबर नहीं आ रही इस तरफ से। I have to leave it there. Unfortunately, जो हाली प्लान है उसके ऊपर बहस रहेगी लेकिन दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। उन्होंने हमें बताया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग के दरमियान क्या मामलात हो सकते हैं मुमकिन तौर पर, और जो दूसरा अहम नुकता है वो ये कि ये जो पटिशन्स आ रही हैं मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ इनके अंदर सिर्फ कानूनी नुकात ही नहीं हैं, कम अज़ कम ये भी एक खदशा है कि इसके पीछे कोई बड़ा प्लान भी हो सकता है। स्टे ट्यून्ड, प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम बात करेंगे इतने मुश्किल मौशी हालात और फिर पर्क्स एंड प्रिविलेजेस सेनेटर्स के लिए और सेनेट चेयरमैन के लिए। जो हमारी एडिटोरियल टीम ने इस सेगमेंट का टाइटल चुना है वो बड़ा ज़बरदस्त है, बड़े ओहदे बड़ी अयाशी। हमारे पास शेख रोहेल असगर साहब मौजूद है, रुकन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से, उनका शुक्रिया। शेख साहब, इस बिल की अप्रूवल के ऊपर जिसको 41 मेम्बरान ने साइन किया, 2 मेम्बरान आपकी जमात के भी हैं, बड़ी लैदा हो रही है कि आप ऐसे वक्त में अपने ऑफिस की जो 6,000 से लेके उसके जो एक्सटेंट है उसको 50,000 तक लेके जा रहे हैं, घर का किराया बढ़ा रहे हैं, प्रिविलेजेस बढ़ा रहे हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ अपने लिए ले रहे हैं। सेनेटर साहिबान, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मेंबर हैं और आप हर पाई का हिसाब रखने वाले हैं, इस वक्त ये होना चाहिए आपके ख्याल में, पहले तो ये बताएँ। यकीन कीजिए तलत, जब मुझे ये पता चला, मैं तो वैसे आपका बड़ा बदा हूँ, मुझे पता चला तो मैं सोच में पड़ गया कि आज मैं तलत साहब को क्या जवाब दूंगा। आप तो बिजती बड़ी डिसेंट तरीके पर करते हैं ना, मतलब आप ये थोड़ी कि आप ला फा के हाथी फड़ा देते हो, बड़े प्यार से बड़े अच्छे खूबसूरत अल्फाज में आप बेइज्जती करते हैं और बेइज्जती करवाने का मज़ा भी आता है यार उसका। अब मैं क्या इसका जवाब दूं यार, कितने मतलब बेचारे गरीब लोग हैं, आपको क्या है यार, आप लोग तो पीछे पड़ जाते हो कसम से। इतने गरीब लोग हैं वो, ना उनके रात को खाना पकता है, ना सुबह नाश्ता बेचारे किसी और के घर जा करते हैं, तो आप क्यों इसको इतना डिस्कस कर रहे हो बेचारों को, बेचारे लोग हैं ना सारे ना, फिर दाता दरबार भेज दियो ना, जो गरीब है। नहीं मतलब ये कि आप फिर दाता दरबार, मैं कहना जी नहीं, आपने गलत जगह चुन ली है, यहाँ पे आपके बगल में यहाँ पे हजरत बरी इमाम है, वहाँ पे चले जाएं यार ना। बस आज इंतहाई शर्मिंदगी हुई जब ये मामला चेयरमैन कमेटी ने, हमारे पीएसी कमेटी के चेयरमैन ने ये जब बात की तो मैंने यही कहा था कि मोस्टली यहाँ पे मेजॉरिटी, मैं नहीं कह सकता होंगे कोई 2-4 ऐसे जो सोच होगी, मेजॉरिटी यहाँ पे सिर्फ इज्जत के लिए आती है, खाने के लिए या अपनी मरात लेने के लिए नहीं आती। आप अंदाज़ा कीजिए कि आज उस कमेटी में एक तस्करा हुआ जी कि हमें 10 रुपये पर लीटर पर किलोमीटर मिलते हैं रोड के जो ट्रेवलिंग अलाउंस है, 10 रुपये, किसी ने बात नहीं बुलंद की। ठीक है यार, मतलब अच्छा है, इज्जत की चीज़ है यार, आते हैं जहाँ यहाँ पे थोड़ी खुदा ने इज्जत दी भी है, थोड़े लोग आपको देखते हैं, प्यार से देखते हैं, इज्जत से देखते हैं, मिलते हैं। अगर 2-4, 10-20 हज़ार, 1,00,000, 2,00,000, 20,00,000 बढ़ा लेंगे तो क्या होगा, होगा क्या? अब मेरी जैसी उम्र के लोग जो आगे जाने वाले हैं और उनके लिए पैसा तो मैटर ही नहीं करता यार। और जहाँ तक इस वक्त आपके जो हालात हैं, ना भी हों
बड़े आइडिया हालात भी हों वाशी आपके, फिर भी मतलब आप लोगों को बातें करते थे, कल तक हम दूसरों को बातें करते थे कि ये मराद दे रहे हैं और अन मतलब उसमें अनलिमिटेड उनसे उनके अमराद हैं, कैसे बात करेंगे आप, किस मुंह से बात करेंगे आप। मैं इतना कह सकता हूं दल साहब कि अगर ये इशू असेंबली में आया, और आएगा, डेफिनेटली आएगा, मेरा नहीं ख्याल कि ये थ्रू होगा, मेरा नहीं ख्याल। मैं समझता हूँ कि अगर कोई इस बात पे अड़ जाता है और कहता है नहीं ये बात तो बहुत ठीक है, इसको इस तरह ही होना चाहिए, क्योंकि फलानी जगह ये किया जा रहा है, भाई फलानी जगह गई भाड़ में, आप लोग देखो यार, आप लोग तो अवामी नुमाइंदे हो, अवाम ने आपको वोट दिए अपने मसाइल हल करने के लिए, अपने मामलात को संवारने के लिए नहीं दिए। ठीक है, दवाई ले लें यार, जो आपको बीमारी है उसकी, मैं खुद लेता हूं यार। आपके सामने आदाद और शुमार होंगे, किसी जमात ने, आज़ाद उम्मीदवारान समेत किसी जमात ने इस पे से हाथ खींचा नहीं है। पीपल्स पार्टी, पीटीआई, नून लीग, एमकेएम, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, नेशनल पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम, पख्तूनख्वा अवामी मिल्ली पार्टी, एएनपी, एक वोट, आज़ाद, सारों ने माशाल्लाह इसको एंडोर्स किया। तो पार्टियों की अपनी, मैं आपको एक बड़ी खूबसूरत बात बताने जा रहा हूँ, आप शायद, आपको सुन के हैरानगी भी होगी और परेशान भी होंगे आप। एक पीपल्स पार्टी के एक सेनेटर हैं, मेरे ख्याल में शायद वो डिप्टी चेयरमैन भी रहे हैं सेनेट के, सलीम मांडवी वाला, उन्होंने जब ये कहा, मैंने कहा यार ये तीन सेनेटर यहाँ में बैठे हुए हैं, अजीज साहब हैं, मोहसिन अजीज बैठे हुए हैं, मुशाहिद हसन सैयद साहब बैठे हुए हैं, मांडवी वाला बैठे, जब आप ये कह रहे हैं जी हमें पता नहीं चला, क्यों भाई आप सोए हुए थे उस वक्त, आपको सोया नहीं, आपको नहीं पता चला कि क्या लिखा जा रहा है, हमने पढ़ा ही नहीं है। उन्होंने कहा जी कि हमें यही मैं कह रहा हूँ, उन्होंने कहा जी कि हमें तो बताया ही नहीं गया, हमें तो सिर्फ ये कहा गया है कि आपकी आपकी कुछ मराद बड़ी बढ़ाने की ये बिल है, तो आप इसमें साइन कीजिए। ये वही वाकया हुआ है तदर साहब, कौन सा वाला पता, याद है आपको? जी जी, जो एक अकाउंट में पैसे आ गए थे, पेश हुआ था खत, वो जो 190 अरब पाउंड का जो, जी जी जी, काबीना के सामने, काबीना के सामने जो पेश हुआ था, काबीना के सामने बंद खत को अप्रूव करवा लिया था, ये वैसे ही हुआ है जो बकौल उनके। लेकिन इसके बावजूद मैं ये समझ रहा हूँ कि ये एक मुनासिब तरीका नहीं है दल साहब, बिल्कुल नहीं है, मैं नहीं समझता। देखिए आपकी अगर कोई मजबूरी है या आप समझते हैं कि इसमें कुछ थोड़ा बहुत इसमें रद्दोबदल करना चाहिए, तो आप अपनी एक हद में रह के कर सकते हैं। इस तरह की हद यार कि आपको फ्लाइट मिली, आप फ्लाइट से चार्टर करवा सकते हो, खुदा के बंदे ये क्या हो क्या रहा है यार, ये पाकिस्तान है ये, मैं मुझे तो यूं लगा जाए, मैंने जब ये सुना और पढ़ा और देखा तो मुझे यूं लगा जैसे मैं किसी यूरोप के बड़े तरक्की याफ्ता मुल्क का, मैं बड़ा फख्र हुआ मुझे, मेरा सत बिल्कुल ऊपर हो गया था कि मैं एक ऐसे मुल्क में रह रहा हूँ जहाँ पे तो बड़ी अच्छी कंडीशन है, आपकी माशी कंडीशन बहुत अच्छी है, रेल पेल लगी हुई है, और वैसे तो हम अपनी तकरीरों में अपने ख्यालात में गरीब का रोना रोते हैं, और गरीब कौन है इनको पता ही नहीं है जी, बिल्कुल क्या है। आई हैव टू लीव इट देयर शेख साहब, आई हैव टू लीव इट देयर, बट थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग अस। आपने हमें बताया कि आपका बतौर मेंबर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इसके ऊपर दिल जला है, दुखा भी है, यकीनन इस बिल को रोल बैक करना चाहिए, अगर आपने अप्रूव कर दिया है तो ये प्रिविलेजेस क्लेम ना कीजिए, कुछ रहम कीजिए, जिस तरह शेख साहब कह रहे थे, इस मुल्क पर भी और अपनी रेपुटेशन पर भी।